नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में फिर से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। सैटरडे संडे को पूरी तरीके से दिल्ली बंद रहेगी, कर्फ्यू रहेगा। आप सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए बाहर निकल सकते हैं, दवाइयाँ लेने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए, और बिल्कुल भी घूमने फिरने की कोई आज़ादी नहीं होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नियमों का उल्लंघन करने के ऊपर आपके ऊपर धारा लग सकती है और आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या चालान काट सकती है। तो प्लीज़ वीकेंड के दिन बाहर ना निकलें। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कर्फ्यू क्यों लगा है, क्योंकि कोरोना फिर से वापस आ गया है अपने एक नए वेरिएंट के साथ जिसका नाम है ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और पर इसके इसमें ये एक अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लोग बीमार नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो लोग अपने घरों में भी वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की इतनी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट नए साल पे ये फिर से एक दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है कि दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है। पर सरकार की ये मंशा रहती है कि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, तो इस वजह से ये करना पड़ता है हम लोगों की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए ही, समाज की में ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, तो इसलिए ये सरकार को स्टेप उठाना पड़ता है। और कर्फ्यू लगने से, लॉकडाउन लगने से सरकार को बहुत नुकसान होता है और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद हो जाती है तो बाहर लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो लोग जिस तरीके से खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं घूमने फिरने में, बहुत सारी चीज़ों में, तो वो नहीं हो पाता, तो ये सरकार का ही नुकसान होता है। तो सरकार अपना नुकसान उठाकर भी ये लॉकडाउन लगाती है ताकि हम सेफ़ रह सकें। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सरकार जो नियम लागू कर रही है लॉकडाउन के, तो हम उसको पूरी तरीके से पालन करें। और इस बीमारी से जिस तरह से दो बार हम लड़ चुके हैं दिल्ली वाले, और हमने पूरी तरीके से कोरोना को यहाँ से भगाया, और ये तीसरी बार फिर हमें तैयार रहना पड़ेगा, और हमें इसको बिल्कुल बाहर निकालना है, कोरोना से निकलना है, बचना है। और सावधानी ही बचाव है, बीमार होके बचना ये कोई कहीं की समझदारी नहीं है। तो हमें बचने के लिए कर्फ्यू के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन सा वेरियंट उनको हुआ है, कोरोना का पिछला वेरियंट है या ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं, ये तो अभी साफ़ नहीं हो पाया है। पर अभी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपने ये कोरोना पॉजिटिव होने की जो न्यूज़ है वो दी है, और उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, जिस तरह उन्होंने कर लिया अपने आप को आइसोलेट, और अपनी कोरोना की जो जाँच है वो करवा लें। तो अब यही है कि अभी तो फ़िलहाल जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका एक बयान आया है कि दिल्ली में पूर्ण तरह से लॉकडाउन जो है, जो पूरी तरह से पूर्ण लॉकडाउन जिसे बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। पर वो तो देखिए टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर बीमारी ज़्यादा सीवियर होती है या बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो फिर तो उसको लगने से भी कोई रोक ही नहीं सकता। तो वो तो अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल की स्टेटमेंट है, और आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। पर इतना ज़रूर है कि इस टाइम अचानक से आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 5,000, पहले 4,000, 5,000, नए साल के पहले हफ्ते में ही अभी 10,000 तक जो आंकड़े हैं वो दिल्ली सरकार बता रही है कि एक दिन के निकल कर आ रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, और यही एक टाइम है कि इसी टाइम पर ये कंट्रोल में की जा सकती है। और हालांकि इस टाइम पे चुनावों का माहौल चल रहा है, तो ये अचानक से देखा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं रैलियाँ इतनी ज़्यादा होने लग जाती हैं, और रैलियों में लोग एक प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा जाते हैं, और रैलियों में की जो भीड़ है वो आपने देखी है कि भीड़ कितनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, फिर वो अपने प्रदेशों में वो लौट कर वापस आ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे नेताओं को ये देखना पड़ेगा कि जो चुनावी रैली हैं उन पर भी रोक लगें। और ये आज की डेट में तो वर्चुअल रैलीज़ की जा सकती हैं, और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आप देख सकते हैं कि रैलियां जो हैं वो ऑनलाइन की जा सकती हैं, तो लोगों की जान जिससे संकट में ना पड़े बचे,
और अपने घरों में रहें, लोग इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, और जितना जल्दी हम इन कोरोना नियमों का पालन कर लेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि बच जाएंगे, फिर से जल्दी ये लॉकडाउन फिर ख़त्म हो जाएगा, ताकि ये बड़ा लॉकडाउन ना लगे। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबके सब अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें और कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, और घर से निकलते वक्त बिल्कुल मास्क अपने साथ लेके चलें, और डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, ज़रूरत के टाइम पर ही बाहर निकलें, बड़े बूढ़ों को घर में ही रखें, बच्चों को घर में ही रखें, ताकि वो किसी बीमारी की चपेट में ना आए, और अपना आप ध्यान रखें। इसके लिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज का ये जो वीडियो है वो मैं अभी यहीं समाप्त करूँगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आके दीजिए नमस्कार।